बदायूं कांड में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर दो मासूम भाइयों के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस की पूछताछ में जावेद कई अहम खुलासे जावेद ने किए हैं। और उसके बाद पुलिस के मुताबिक घटना के दिन साजिद काफी परेशान था, उस दिन उसकी तबीयत भी खराब हुई थी और वो सैलून में जल्दी निकल गया था। शाम को लौटते वक्त साजिद के साथ उसके हाथ में चाकू भी था और उस चाकू को लेकर साजिद पीड़ित परिवार के घर पर दाखिल हुआ, जहां पर उसने इस दिल को दहला देने वाले हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक साजिद की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन वो पिता नहीं बन पा रहा था। ऐसे में वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। वारदात के बाद साजिद और उसका भाई जावेद दोनों मौके से भाग गए, लेकिन साजिद को पुलिस ने पकड़ लिया, जिसके बाद साजिद ने पुलिस पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में साजिद एनकाउंटर में मारा गया, वहीं जावेद ने बरेली में सरेंडर किया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जावेद ने पूछताछ में बताया कि साजिद घर में अकेले गया था और बाहर ही था। बजे के आसपास उसने कहा कि मैं मेरी तबीयत खराब लग रही है और मेरा मन नहीं लग रहा है, तो फिर ये दोनों वापस सखानू चले गए और थोड़ी देर के बाद ही उसके भाई ने कहा कि भाई तुम्हारी तबीयत खराब नहीं लग रही तो आज हम लोग कुछ चिकन वगैरह बना के खाते हैं, लेकिन भाई के इंसिस्टेंस पे दोनों फिर वापस चले आए शहर की तरफ। आने के बाद शाम को हमें एक ऐसा भी विटनेस मिला है जो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इसकी तबीयत खराब थी और इसने ये कहा कि मैं मुझे खून की उल्टी सी होने जैसा लग रहा है और मैं कहीं जा रहा हूँ। इस बात की पुष्टि भी हुई है गवाह के बयान से। शाम को करीब 5:30 के आसपास ये थोड़ी देर के लिए बाहर गया साजिद। जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा। हम लोगों ने उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लिया है जिसके हाथ से वो चाकू खरीदा गया था, उससे भी पूछताछ हो रही है। आने के बाद फिर घटना के समय दोनों ये, इसने जब पूछा कि भाई तुमने ये चाकू क्यों खरीदा है, तो इसने कहा कि मैं रमजान के समय गोश्त वगैरह काटने का काम करूंगा, इसलिए चाकू मैं खरीद के लाया हूँ। उसके बाद दोनों इसने बताया कि मुझे किसी काम से पीड़ित विनोद के यहाँ जाना है, विनोद के घर के जाने के लिए। जब ये दोनों बाहर निकले तो विनोद के घर के अंदर चला गया और जाकर के उसने वहाँ घटनाक्रम को अंजाम दिया। मोटिव के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, एक बात तो ये निकल के आ रही है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान था, अग्रेसिव नेचर का था, वायलेंट था, और ये भी बात समझ में आई है कि शादी भी उसकी बहुत दिक्कत में थी, चूंकि शादी उसकी अभी से 3-4 साल पहले हुई थी और कई कोशिशों के बावजूद भी उसकी वाइफ को बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक तो स्टिल बॉर्न बेबी हो गया था और 2-3 बच्चे उसके पेट में ही खराब हो गए थे, ये एक बात निकल के आई है, और उसकी वजह से बहुत मानसिक रूप से वो परेशान भी रहता था। इस लाइन पे भी हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या तंत्र मंत्र की वजह हो सकती है हत्याकांड के पीछे? देखिए, इस कंजेक्चर पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी फैक्ट्स हमारे पास अभी आए हैं इस पूछताछ से, उन सारे फैक्ट्स को एग्जामिन किया जा रहा है और उनको जो भी उसमें सब्सटेंशियल फैक्ट निकल के आएंगे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे। चूंकि इनके यहाँ वाकफियत थी, ऐसा लगता है उसका प्रॉक्सिमिटी थी और आना जाना भी था, उनके 2 बच्चे भी थे। अब इन सारे बिंदुओं पर हम लोग अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये सारी बातें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव सिंह हमारे साथ बदायूं से जुड़ गए हैं। राजीव, काफी ज्यादा पेचीदा ये मामला होता जा रहा है और काफी बड़े खुलासे भी यहां पर अब तक हो चुके हैं। पुलिस जांच कर रही है, पुलिस क्या कुछ कह रही है कि कब तक अभी और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये बड़ा खुलासा कि चाकू खुद शख्स अंदर लेकर गया था और उसी से उसने वारदात को अंजाम दिया। और देखिए, यकीनन सीनम, बीते मंगलवार को बदायूं के 2 मासूमों की मौत के बाद न सिर्फ बदायूं बल्कि प्रदेश और देश भर में एक बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इस हत्या की वजह क्या थी, निर्मम हत्या की वजह क्या थी। अब तक जो पुलिस ने खुलासा किया है उसके तहत ये दावा किया है साजिद जो मुख्य हत्यारोपी है उसके भाई जावेद के मुताबिक कि वो मानसिक रोगी था, उसकी शादी 4-5 साल पहले हुई थी लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं हो रहा था और यही कारण है कि वो बच्चों से नफरत करता था, जिसके चलते
घटना को अंजाम दिया। इस वक्त मैं उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। हमारे साथ जो पीड़ित परिजन है वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये माँ है उन मासूम बच्चों की और ये दादी हैं और तमाम जो परिजन हैं उनसे अब तक जो पुलिस का दावा है, जो थ्योरी है, हालांकि पुलिस ये कह रही है कि जांच अभी भी लगातार चल रही है, वो ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटना क्यों हुई। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ उन मासूम बच्चों की माँ है, उनसे हम बात करेंगे। अभी तक जो खुलासा हुआ है, कितना संतुष्ट हैं आप? मुझे कुछ नहीं, मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे मासूम बच्चे काटे, मुझे न्याय चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो उसका भाई है, वो उसका कहना है कि वो मानसिक रोगी था। मुझे सब झूठ बोला है, मुझे कुछ नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं कुछ नहीं जानते, मुझे इंसाफ चाहिए। ऐसे में हमारे साथ बच्चों की दादी भी हैं जो मौके पर मौजूद थी, उनसे हम बात करेंगे। माता जी, जो अभी तक खुलासा हुआ है उसमें ये कह रहे हैं मानसिक रोगी था, वो बच्चों से नफरत, बच्चों से नफरत करता था, बच्चे से हमारी क्या दुश्मनी थी, बच्चे हमारे बाल कटवाए थे, हमें पता हुए तो फिर मना कर देता ना, बाल हम नहीं काटेंगे, बाजे हमें कुछ भी ना चाहिए, हमारे बच्चा गए यहाँ से तड़प तड़प के, हमें कुछ ना चाहिए, हमें नया चाहिए, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, हम तो पैसे ही जानते हैं। साजिद का एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद अब जावेद को भी गिरफ्तार किया गया है। मैं तो इंसाफ चाहिए बस, और कुछ ना चाहिए। मैं तो आप सब लोगों से, सरकार से जी है बस, मुझे मेरे बच्चे घर पे तो मारे गए, तड़पा तड़पा के मारे, भगा भगा गए, आप देख के आए होगे ऊपर, बस इंसाफ चाहिए हमें तो, और कुछ ना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, ये पीड़ित बच्चों की माँ है, हमारे साथ उनके पिता भी मौजूद हैं विनोद जी, उनसे हम बात करेंगे। विनोद जी, अब तक जो खुलासा हुआ है उसमें ये आया है कि वो मानसिक रोगी थे। हमें क्या मतलब, उस रोगी है या बीमार है? अगर वो रोगी था तो अब तक 8 साल तक वो रोगी बना रहा था क्या? हमारे घर में आके उसने बच्चों को मारा है, हमें उससे मतलब है? हमें किसी क्या मतलब है? छोटे छोटे बच्चे उसने काटे, उन बच्चों का क्या उसके गुनाह था? हमें तो इंसाफ से मतलब है, हमें गुहार ये लगनी है कि हमारा इंसाफ होना चाहिए, हमें और किसी बातों से कोई लेना देना नहीं है। ये वो रोगी था या नहीं रोगी था, वो बातें बना रहा है या वो क्या कर रहा है, उसकी माँ कह रही है, फलाना कह रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर हमें न्याय से मतलब है, सरकार से मुझे न्याय चाहिए इस चीज का कि मेरे बच्चे काटे उसने छोटे छोटे, उन्होंने क्या गुनाह किया, उनका क्या दर्द देखा आपने कभी? कौन देख रहा है उसका दर्द? इस चीज से कोई मतलब नहीं है। विनोद जी, जो मुख्य हत्यारोपी था साजिद, उसका एनकाउंटर हुआ है, दूसरा गिरफ्तार किया गया है, उसे सुसंगत धाराओं में जेल भेजा जा रहा है, अब इस मामले में और क्या चाहते हैं आप? हम उसकी मौत चाहते हैं, हमें न्याय चाहिए, उसका पूरा घर गिरना चाहिए, तब हमें न्याय मिलेगा, हमें ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, जब उसने जवाब बयान दिया है, वो गलत बयान दिए हैं और वो बयान गलत दे रहा है, उसमें जो है जो चाहे जो भी उसको भड़का रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है कि बयान वो पलट रहा है। हमारे बच्चे गए, दो बच्चे हमारे उसने मारे, हम उसका भी चाह रहे हैं इनकाउंटर, हम तो कल इसलिए नहीं बोल रहे थे इनकाउंटर ना उसका कि वो जवाब, हमें सवाल तो बताए कि इसके रात पीछे कौन है, मगर वो झूठ बोल रहा है बिल्कुल, वो जवाब नहीं दे रहा है। क्या आपको कुछ लगता है कि हत्या की क्या वजह हो सकती है? उसको टारगेट नहीं किया गया है, वो बिल्कुल साजिश के मतलब झूठ बोल रहा है, मगर हमको उस चीज से मतलब नहीं। हमारे बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा उसका, या मैं गलत था या मेरे बच्चे बीवी गलत थी, तो इसका क्या महत्व है? कभी हमारे घर में नहीं आया था, और दुनिया मीडिया ये बोल रही है कि वो उनके घर जाता था, कि वो घर आता था, ये क्या तरीका है? कुछ नहीं, ये सब बिल्कुल झूठ बकवास है, और हमें अपने बच्चों पे भरोसा है। मेरे बच्चे कभी कहीं किसी के यहाँ नहीं गए, मेरे बिना बोले कहीं नहीं जाते हैं, मैंने फोन कर दिया तब जाते हैं बच्चे, कभी किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, तो मैं कैसे मान लूं अपने मेरे बच्चों गलत है? आपको क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? कुछ भी वजह नहीं है, वो उसने पूरा षड्यंत्र रचा है हमारे घर को लूटने का, उसे पूरा भरोसा था कि मेरे घर में पैसे रखे हुए हैं, उसने ये सबूत लगा रखा था कि मेरे घर में पैसे रखे हुए हैं, और वो इसलिए आया था कि हम इन लोगों को मार देंगे, पूरा घर लूट के ले जाएंगे, और कोई षड्यंत्र नहीं इसका है, और उसमें ये सब साजिश है। जैसा कि आपने सुना, ये थे पीड़ित बच्चों के पिता, जिनका कहना है कि वो भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से उनके बच्चों की निर्मम हत्या की गई, उनके हत्यारोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और हालांकि पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे जाना है जावेद को, होम गार्ड हैं अभी भी। हाँ, यकीनन आज जावेद को कोर्ट में पेश किया जा रहा है, उसे लेकर कोई जानकारी मिली हो तो वो भी दीजिएगा, और साथ ही बातचीत कीजिएगा, आप परिजनों से बातचीत कर रहे हैं।
यकीनन सीनम, क्योंकि कल उसकी जो गिरफ्तारी है वो करीब 11:30 बजे के आसपास दिखाई गई है, इसीलिए आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। हालांकि पुलिस इस दौरान एक बार फिर रिमांड की मांग कर सकती है, क्योंकि तमाम जो मुख्य सवाल हैं उनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। माता जी, आप खुद होमगार्ड हैं, पुलिस में लगातार ड्यूटी करती रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि आखिर मुख्य वजह क्या हो सकती है? मेरे बच्चों पर आरोप लगा रहा है, बीवी गलत है, क्या गलत है, प्रॉपर्टी इसी के नाम है। अरे यार, जे माँ कहेगी हमारे बच्चे मरवा दो, जे कहेगी, अरे अगर इसके संबंध गलत होते तो इसे मरवा देती, ठीक है, और उसी के घर चली जाती या उसी को घर रखती है, प्रॉपर्टी इसके नाम है। इन्हें विश्वास नहीं है या हमें विश्वास नहीं है, रात को हम अपने बच्चों के साथ लेटते हैं, हमारे घर कोई भी नहीं आया, कैसे हम कह दें? और दुनियादारी मतलब सब कोई मतलब नहीं, मेरे बच्चे तड़पा तड़पा के मारे, किसको नहीं पता है, देखो कितनी दर्द भरी कहानी है। हम आज दिल से पूछो हम कैसे क्या करें, मुझे तो इंसाफ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारी अब जेई पता नहीं है, हमें जेई पता नहीं चल रहा है, रंजिश है भाई, पहले तो सामने से कोई रंजिश आई नहीं, अब इससे भी नहीं थी, जे बाल काटता था, बच्चे पैसे तो ग्राहक ही थी ना, अब कहां फिर वो कौन और हम कौन। सीनम, जैसा कि आपने सुना, ये थी पीड़िता की माँ थी, जिनका दादी थी, जो मौके पर मौजूद थी इसी कमरे में जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि आज भी जिस निर्ममता से हत्या की गई, आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लड के निशान है, जो हत्यारोपी है सबसे पहले नीचे से चढ़ता है और इसी जीनों के से होते हुए आगे पहुँचता है, फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचता है जहाँ पर उसके परिजन मौजूद होते हैं। जो माँ है वो अपने बच्चों के, दो बच्चों के साथ, आयुष और आहान के साथ मौजूद रहती है, और उसके बाद फिर ये जो जीना है इसी के रास्ते वो छत पर पहुंचता है। इस फ्लोर पर पहुंचने के बाद वो ये कहता है, जो सूत्र बताते हैं, जो जानकार बताते हैं, कि नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है और ये जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पर ये सलून जो पीड़िता की माँ है वो चलाती है, यहाँ पर पहले वो आता है और उसके बाद नेटवर्क ना आने का बहाना देकर वो सीधे इस जीने के रास्ते से वो फर्स्ट फ्लोर की छत पर पहुँचता है, जहाँ पर सबसे पहले वो बड़े बेटे को बुलाता है। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो गेट है, हालांकि यहाँ पर पुलिस ने अभी जांच के लिए इसको सीज कर रखा है, लेकिन आप देख सत्ता से हत्या की गई, वो यहाँ पर तमाम ऐसे निशान हैं जो ये बताते हैं कि कितनी बेरहमी से इस बार्बर ने इन दोनों मासूम बच्चों की हत्या की, और उसके बाद वो यहाँ से सीधा नीचे भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जो गेट का दरवाजा है उसे बंद किया गया, उसके बाद पुलिस को बताया गया, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी मौके पर हो चुकी। लेकिन अभी तक आपने सुना जो परिजन कह रहे थे कि वो अभी तक पुलिस की थ्योरी से नहीं संतुष्ट हैं कि आखिर हत्या क्यों हुई। आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये जो जीने हैं इससे वो आसानी से आता है, आसानी से चला जाता है, इससे साबित होता है कि वो पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर पहुँचा था। सबसे पहले उसने दोपहर में बाजार से चाकू खरीदा, उसने ये रणनीति बनाई कि आज किसी भी कीमत पर इन लोगों को एक बड़ा नुकसान करना है, जिसके चलते आप जो ये जीना देख सकते हैं ये ग्राउंड फ्लोर है। उसके बाद वो भागते हुए, जो पुलिस की थ्योरी है कि साजिद ने बाहर अपने भाई जावेद को खड़ा रखा था, लेकिन जब वो बाहर निकला घर से तो यहाँ पर जो मुख्य गेट था इसे बंद किया गया, जिसके चलते वो अंदर ही फंस गया, और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जिसके पास मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लोगों ने यहाँ पर उसको पकड़ा और फिर वो पुलिस पर ही फायर करने लगा, जिसके बाद उसका एनकाउंटर किया गया। हालांकि इस घटना के बाद जो उसका भाई जावेद था, जो कि पुलिस बता रही है कि मौके पर बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था, वो भागा और दिल्ली चला गया, जिसके बाद खुद जब एक भाई का एनकाउंटर हुआ तो एनकाउंटर के डर से ही उसने आत्मसमर्पण बरेली में किया। कल उसे बदायूं पुलिस लाई है, रात भर उसे पूछताछ हुई है। अब से कुछ देर बाद न्यूज 18 एक बार फिर पुलिस के आला अधिकारियों से बात करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि जो रात में पूछताछ हुई है उसके आधार पर आखिर इस घटना के मुख्य कारणों का क्या पता लगा है। लेकिन फिलहाल अभी हत्या के मुख्य कारणों का पता न लगने के कारण जो स्थानीय लोग हैं, जो अन्य लोग हैं, उनमें आक्रोश अभी भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, और लगातार पीड़ित परिवार ये मांग कर रहा है कि जिस तरह इस तरह के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती है।